बताएंगे रिपोर्टर जो कहानी है इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये रियल कहानी है या मतलब बनावटी कहानी है? ये एक रियल कहानी है जो मतलब रिपोर्टर के बारे में, रिपोर्टर को कितनी कठिनाइयों से आगे बढ़ना पड़ता है। केवल जो मतलब किसी रिपोर्टर के ऊपर है ये जी। अच्छा हाँ, मैं आज आपका बर्थडे है, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, भूल गया था मेरी ओर से आपके जन्मदिन के लिए आज बहुत बहुत बधाई। आप भी सर जी अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। जी सर, मैं सोमवी डांस एकेडमी का सर हूँ, मेरा नाम सोनू जगन्नाथ यादव है। मैं सोमवी डांस एकेडमी 5 साल से चला रहा हूँ, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, और इस सीरियल में पहली बार काम कर रहा हूँ, और इसमें एक्चुअली मेरे 40 बच्चे भी काम कर रहे हैं, जो 40 के 40 टैलेंट है, और उनमें डांसर एक्टिंग एक्सप्रेशन आप उनको देखने को मिलेगा। वो जो दबंग स्टोरी है ना, ये एक नंबर की स्टोरी है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको एक बार देखें और इसको सहयोग दें और अपनी तरफ से इसको लाइक करें, और देखने में तो आपको सभी पता चलेगा और आप में इसमें नया नया कुछ देखने को भी मिलेगा। और एक रिपोर्टर की कहानी है, एक रिपोर्टर जो कितनी मुश्किल से रिपोर्ट लाता है और अपनी कंपनी में देता है और उसको आगे तुम लोगों तक पहुंचाता है, तो मैं चाहूँगा ये देखिए और सोमवी डांस एकेडमी के बच्चों को भी देखिए। आपका नाम? मेरा नाम सैयद जिमरा ने। क्या कर रहे हैं सीरियल में? सर एक कैरेक्टर। अच्छा, आप इसमें आर्टिस्ट हैं? यस सर जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान। क्या है इसमें सीरियल? मेरा इसमें आर्टिस्ट का रोल है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। आप अपना परिचय देंगे दर्शकों के लिए, बड़ी गुस्सा में खड़े हैं आप। मेरा नाम सुनील प्रजापति है, और इस सीरियल जो आप देख रहे हैं दबंग रिपोर्टर, इसमें मैं एक मुख्य किरदार कर रहा हूँ। उसके अलावा एसआरजी इंटरटेनमेंट जो हमारी प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसके माध्यम से ये सीरियल आ रहा है, उस कंपनी ने मुझे एक और जिम्मेदारी दी है सह निर्देशक की। तो इस कंपनी ने पहले कभी कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं? हाँ, इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आए भी हैं और चल भी रहे हैं लगातार, इसके बाद भी इनके और आने वाले हैं। अच्छा, आप थोड़ा स्टोरी के बारे में बताएंगे कि ये कैसा रिपोर्टर है, कैसे रिपोर्टर की कहानी है? जी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक रिपोर्टर की ऐसी कहानी है जो अपने ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन उसे इस बात को पहुंचाने में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, कितने दबाव के में वो काम करता है, ये सब चीज़ को दिखा, लेकिन ये इसके बावजूद भी वो एक दबंग है, अपनी दबंगता निडरता के साथ अपना काम कर रहा है। ये सब सारी चीज हमने इस कहानी में, वो नेताओं से भी नहीं दबता जी, वो बिल्कुल नहीं दबता, पुलिस से जी नहीं, अपना काम ईमानदारी से करेगा और बताएगा, वो सच और झूठ से पर्दाफाश करेगा जी। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब इसमें जो दबंग रिपोर्टर है, इसको दर्शक ज्यादा से ज्यादा देखें और पता करें कि मतलब एक रिपोर्टर जो होता है वो किस तरह सच और झूठ को पर्दाफाश करता है। आप कितने लंबे हैं, पीछे खड़े हैं, देख के लग रहा है कि शायद आप इसमें हवलदार का कैरेक्टर कर रहे होंगे सीरियल में। यस यस, मिस्टर अमिताभ डेस्टिनी वॉरेंट रिपोर्टर दबंग सेलेक्ट, मुझे वेरी गुड राइट टू माई क्लेस्ट। मुझे बहुत खुशी है इस नोट की और मेम्बरों से कि ये सीरियल बहुत अच्छा है, और मेरे देश के मीडिया वालों ने इतने इस सीरियल से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के लिए रिपोर्टर से बहुत अच्छा ईमानदारी से काम होता है और हमेशा ईमानदारी से काम चलता रहेगा। मैं सभी मेंबरों से और अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मैं शूटिंग के दौरान मैं यही कहता हूँ कि यार इससे अच्छे अच्छे सीरियल बनाइए, जिससे कि मेरे इंडिया के अंदर अच्छे अच्छे सीरियल आगे बढ़े और इसको देख कर पब्लिक के लिए अधिक लाभ होगा। कुछ दिन पहले आपका एक शो देखा था मैंने, जिसमें सब बच्चों को आपने फौजी बना डाला था जी, जी, जी। तो ये जो दबंग रिपोर्टर में आपके बच्चे क्या कमाल दिखा रहे हैं, देश के लिए कुछ करके दिखा रहे हैं सीरियल जी? जरूर, ये देश के ऊपर कोई ऐसी थीम्स दिखाएंगे आपको, वो तो आपको देखने से ही पता चलेगा सर, जो अगर सारी पूरी डिटेल आपको हम अभी दे देंगे तो फिर देखने में मजा नहीं आएगा जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम के लिए मेरी ओर से।